सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, यानी आपको फॉग ही फॉग नजर आ रहा होगा। और ये किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए किया गया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक लगातार उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच कृषि मंत्री ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं, हमने किसानों को बता दिया है, कुछ चीजों पर हमें राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें रास्ता देखना होगा। यानी एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसानों को सरकार लेकर आना चाहती है, लेकिन तस्वीर फिलहाल ये दिखा रही है कि फिलहाल बातचीत से अभी तो समाधान कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से हम पुनीत परिंजा का रुख कर लेंगे, शंभू बॉर्डर पर मौजूद है जहां सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। पुनीत बताइए पहले इस वक्त क्या चल रहा है शंभू बॉर्डर पर? देखिए मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है टियर गैस जो है वो छोड़ी जा रही है वहां से, और पैरामिलिट्री फोर्स जो है लगातार टियर गैस छोड़ रही है। थोड़ी देर बाद जो यहाँ पर जो किसान है अपना प्रोटेस्ट जो है वो पीछे हटते हैं, उसके बाद टियर गैस रुक जाती है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि ये धुआं जो है ये टियर गैस का है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर छोड़ा गया है। और ये जैसे ही किसान फिर आगे बढ़ते हैं दोबारा से टियर गैस जो है वो छोड़ी जाती है, और लगातार कमोवेश पिछले 10-15 मिनट से यही स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो काफी बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सभी किसान जो है ये आगे जो बैरिकेड्स थे वहां पर पहुंच चुके थे। आपको सामने मैं एक ट्रैक्टर दिखाता हूं, वो आप सामने जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, दरअसल जब वो ट्रैक्टर बैरिकेड के पास पहुंचा उसके बाद अचानक से जो है वहां से टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया गया, और ये जो किसान थे वो वहीं पर ट्रैक्टर छोड़कर पीछे आ गए। और अब जो है किसान काफी पीछे जो है बैरिकेड से पास, जो पहले काफी ज्यादा शोरगुल था, काफी ज्यादा वहां पर तादाद में किसान थे, अब वो वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी टियर गैस जो है वो रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही किसान फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद एकाएक फिर से टियर गैस जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। ये तस्वीरें कमोवेश यहां से पिछले 15 मिनट से इसी स्थिति में बनी हुई है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, ये आप देखिए, ये किसान फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसान फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, यहां से लामबंद हो रहे हैं और एक एक करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, और ये इसी तरह से जैसे ही किसान जो है वो यहां पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर से टियर गैस जो है वो छोड़े जाते हैं। क्योंकि सामने पुलिस जो हरियाणा पुलिस है उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में जो किसान है, जो पंजाब के किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और ये अभी बड़ी संख्या में जो बॉर्डर से तो दूर हो गए हैं, जो शंभू बॉर्डर है जो वहां पे बैरिकेड्स लगाए हैं उससे दूर होकर जो किसान है बड़ी तादाद में वो इस तरफ खड़े हो चुके हैं। और मीनाक्षी लगातार ड्रोन जो है वो इनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए था, लगातार ड्रोन जो है वो लगातार उड़ान भर रहा था। जैसे ही ड्रोन जो है वो देखा कि ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके आगे जो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए बकायदा एक लोहे का जाल बनाया गया था वो था, तो जैसे ही वो आगे बढ़ा और उसके बाद एक पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उन्होंने जो है टियर गैस छोड़ने शुरू कर दिया। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरे की अगर मैं देखूं तो, अगर जूम करके वहां तक पहुंचता है तो सामने आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अभी भी वहां पर तैनात हैं। और जैसे ही जो किसान है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें पुनीत आप दिखा रहे हैं उसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि इन आंसू गैस के गोलों का असर कुछ किसानों पर पड़ा होगा, क्योंकि किसान तो अभी भी वहां पर इकट्ठा है। हाँ, बैरिकेड से जरूर पीछे हो गए हैं, लेकिन जो किसान आपके आसपास मौजूद है पुनीत, उनका क्या कहना है? अब क्या वो यहाँ से वापस लौटने के मूड में है या अभी फिर बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उनका क्या रुख रहेगा। जी आप यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है टियर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्या रुख रहेगा? नहीं, अपनी जीत तो होएगी, फिक्र ना करो, तुम कोई गल नहीं है, गोले गोले सानू कुछ नहीं कर सकते, कोई गल नहीं, असं इहदा सामना करांगे। किसान जो है आप क्या, क्योंकि लगातार जो है टियर गैस छोड़े जा रहे हैं, लगातार छोड़ रहे, बहुत जोर से गोले छोड़ रहे, बहुत जोर से, पर जीत के जाएंगे, हारेंगे नहीं हम, ठीक है, पीछे नहीं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, गोली छोड़ दे कोई बात नहीं, दिल्ली जाना, मैं कह रहा वो भी सीने में तार लेंगे, कोई चक्कर नहीं, दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, हमारे हक की लड़ाई है। लगातार जो किसान है उनका यही कहना है कि जितने मर्जी ये टियर गैस जो है वो छोड़ दें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली हम जाकर ही रहेंगे। जी
बिल्कुल, देखिए दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और फिलहाल स्थिति तो ऐसी लग रही है कि संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिलेगा। देखिए मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद किसानों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बातचीत की गई, सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल किसान मानने के मूड में नहीं है। किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करेगी, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। और सिर्फ देखिए हरियाणा का जो बॉर्डर है या पंजाब होते हुए हरियाणा को जो दिल्ली से कनेक्ट करता है वो बॉर्डर सिर्फ सील नहीं किया गया है, बल्कि यूपी से लगे हुए जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन्हें भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी तैयारी की है, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, सरिया लाई गई है ताकि किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे बढ़ने ना दिया जाए। क्योंकि इस बार भी खबरें बता रही है, इस बार भी रिपोर्ट ये बता रही है कि किसान लंबी तैयारी के साथ आया है। नवंबर 2021 में किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था और तकरीबन 2 साल बाद एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गया है। चुनाव से ठीक पहले किसान सड़कों पर उतर आए हैं और इसीलिए सरकार की कोशिश यह रहेगी कि संघर्ष को यहीं पर रोक दिया जाए, किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जो कृषि मंत्री की तरफ से आ रहे हैं कि किसानों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन समाधान बातचीत से निकलेगा, कुछ समय किसानों की तरफ से देना होगा, उसके बाद ही समाधान निकल पाएगा। सरकार हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल सरकार की किसी भी बात पर किसानों को कोई भरोसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का आने वाली राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं।